हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं 3 महीना मेरा ओला का हो गया और कितना किलोमीटर चल गया, कितना का एवरेज देता है, क्या है इसका, कितना खर्च आया, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। क्या क्या प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ा है 3 मंथ में, जो कि 9903 किलोमीटर चल चुका है मेरा टोटल, गाड़ी अभी तक 3 महीना भी कम्प्लीट भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए आइए आपको हम बताते हैं इसमें कितना का खर्च आ गया। तो अभी तक हमको फर्स्ट टाइम कंपनी डिस्पैड फ्री देता है 5000 किलोमीटर तक। अगर ये जानकारी नहीं होगा तो आपको पता भी चल जाएगा, ओला का जब भी गाड़ी लीजिएगा ना तो एक्चुअली होता है क्या, डिस्पैड अगर अगला आगे का या पीछे का कोनो अगर घिस जाए तो आपको जो वारंटी 5000 रुपये मिलता है। ठीक है, 5000 का अगर अंडर 4900 किलोमीटर भी चला हुआ रहेगा, आपका डिस्पैड अगर खिस रहा है तो फ्री में कंपनी चेंज करके देगा। हम कुछ जो वहाँ पे एक्सपीरियंस सेंटर पे जो आदमी रहता है वो कंफ्यूजन कर दिया, क्योंकि वो बताया कि बारिश के मौसम में 2700 पे ही रहता है, फिर बाद में गए तो प्लस नहीं, 5000 कोई भी मौसम उससे कोई मतलब नहीं होता है, 5000 किलोमीटर तक एकदम कंपनी आपको देता है। ठीक है, ये जानकारी आपको मिल गई। दूसरा चीज़, हमको ये जो 3000 किलोमीटर के सॉरी 10000 किलोमीटर जो गाड़ी मेरा चला है, 10000 में आपको हम बता दें ओनली हम आगे का डिस्पैड चेंज करवाए हैं, बस दूसरा कुछ नहीं। और एवरेज के बारे में बता दें आपको, जो एवरेज अभी कितना का दे रहा है, तो अभी हम नॉर्मल मोड में जो चला रहा है इस गाड़ी को, नॉर्मल जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं 50-60 ऑन एवरेज, उस हिसाब से मेरा गाड़ी 150 किलोमीटर चलता है सिंगल चार्जिंग में, जो कि आज मैं बता दे रहा हूँ अभी कितना किलोमीटर हम चला कर आए हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़, और सिंगल पैड और डिस्पैड चेंज करवाया वो जो कि 750 का खर्च आया हमको ये 3 मंथ के अंदर में, 10000 किलोमीटर चल गया। एक प्रॉब्लम हमको इसमें फेस करने को मिला है, इसमें थोड़ा आवाज़ आ गया है, जाहिर सी बात है स्कूटी में, पता हम तो पहले स्कूटी यूज नहीं करते, बाइक यूज करते थे, लेकिन बहुत सारे आदमी कहते हैं इसमें खानदानी इसका आदत है स्कूटी में आवाज़ आ जाना, इसमें माइनर थोड़ा सा आवाज़ आ गया, अभी गए नहीं वहाँ पे ठीक करवाने के लिए, जाएंगे तो हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम हमको आया है इसमें, स्कूटर इशू करके आता है। ठीक है, स्कूटर इशू करके आएगा ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाएगा, यानी कि जैसे अगर गाड़ी चला रहे हैं जहाँ पे जो ज़्यादा बड़ा ब्रेकर मिलेगा वहाँ ऑटोमेटिक स्कूटर इशू करके ये स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, छोटा भी ब्रेकर रहता है यही चीज़ काम करवा लेंगे, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, वो बताया सब हो जाएगा। ठीक है, कोई खास बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नई जानकारी पे थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और तीसरा चीज़ आपको हम बता दें, जो एवरेज का हम बात कर रहे हैं, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो एवरेज देख लीजिए, आज का हम डाटा बता रहे हैं आपको, देखिए आज का डाटा 85 किलोमीटर मेरा गाड़ी चल चुका है, एवरेज 32 का बता रहा है, 88 टॉप स्पीड, हम एक बार स्पीड में 88 कहते हैं, नॉर्मल 50-60-40-50 के स्पीड में हम चलाएं गाड़ी, नॉर्मल मोड में, इको मोड में हम नहीं चलाएं इसका, और 85 किलोमीटर चला है। ज़्यादा एवरेज के लिए हमको क्या करना होगा, तो देख लीजिए 48% चार्ज है अभी भी, और 85 किलोमीटर हम इसको चला कर लाए हैं, क्योंकि ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, हम अपना एक्सपीरियंस खुद का बता रहे हैं। हवा अगर सही रहता है गाड़ी अच्छा एवरेज देता है, अगर हम मायने न रखें ना, जैसे बाइक चलाते हैं ना 50-60 ऑन एवरेज, 200 किलोमीटर चलाने का गारंटी हम लेते हैं, 30-40 की स्पीड में चलेंगे 100% 200 किलोमीटर चलेगा हवा अगर सही है, तब अगर हवा कम रहेगा भैया एवरेज कम देगा, क्योंकि हम सिंगल खुद जाते हैं, बस अभी आप एक्सपीरियंस जो हम सामने अभी दिखा भी दिए हैं कितना किलोमीटर अभी चला के लाए, 48% अभी भी है, तो 48% तो समझ सकते हैं 80 किलोमीटर चला है, 80 × 160 आराम से उतना किलोमीटर जाएगा ही, अगर 40-50 के एवरेज में चले स्पीड में चलेंगे तब, हाँ इको मोड में अगर फिर 40 के स्पीड में अगर कंटिन्यू चलाएगा तो फिर उतना किलोमीटर नहीं जाएगा आपका, उसके लिए नॉर्मल मोड में ही चलना होगा। अगर आप सोचिएगा नहीं इको मोड में हम 40 चलाए तो फिर उतना एवरेज नहीं देगा, फिर आपको 130-140 से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि कंपनी 170 लिखता है लेकिन उतना जाता नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं नॉर्मल मोड में चलिएगा ना तो ज़्यादा चलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।